नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ प्रवृत्तियां या लक्षण या विशेषताएं। तो ये आपके लिए रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां, लक्षण या विशेषताएं लिखने के लिए आती हैं। और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो कि किसकी विशेषता हम किस में लिख दें, ना हमें इसकी याद होती है ना इसकी याद होती है, और यदि याद भी हो जाए तो कन्फ्यूजन में हम है ना गलती करे आते हैं। मैं आपके लिए इसकी है ना आसान से ट्रिक बता रहा हूँ कि ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगी और कभी आप भूलोगे नहीं। तो आपके लिए रहस्यवाद को याद रखना है तो देखिए, आपको एक गीत याद रखना पड़ेगा। क्या? एक गीत। जी हाँ, एक गीत। कौन सा गीत? तो सुनिए। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत में आपके लिए पता चल रहा है कि इसमें है ना ब्रह का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? ब्रह का। और वो चाहती है आरती, जिस सिर्फ तुम में आरती और दीपक नाम के कलाकारों की ये कहानी चलती है, जिसमें आरती दीपक से मिलना चाहती है। तो इसमें है ना ब्रह और मिलन दोनों का भाव है। तो अपन है ना दीपक को परमात्मा की संज्ञा दे दें तो पहला अपन पॉइंट बनाएंगे कि परमात्मा से ब्रह मिलन का भाव, परमात्मा से ब्रह मिलन का भाव। और इस पिक्चर को हम देखते हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे मन में उत्सुकता बनी रहती है कि इनका मिलन कब होगा। तो इसको कहते हैं जिज्ञासा। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। तो दूसरा पॉइंट हम बना सकते हैं जिज्ञासा की भावना, ठीक है ना। फिर तीसरे अंत में आखिर में आप देखते हैं कि आरती ट्रेन में बैठ करके नैनीताल वापस जाती है, तभी वहां चाय वाला दीपक से टकरा जाता है और वो अपनी शर्ट उतारता है। तो जैसी मैं बनियान पहने हूँ वैसे ही वो भी बनियान पहने था, और उसके इधर पे एक दीपक बना हुआ था जैसे मेरी बनियान पे बना हुआ है, ठीक है ना। और उस दीपक को वो देखती है तो तुरंत दौड़ करके उसके पास आती है। तो इतनी बड़ी बनियान पे एक छोटा सा दीपक आप देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। तो अपन कह सकते हैं तीसरा पॉइंट, सूक्ष्म सत्ता के प्रति प्रेम। और जब दोनों का मिलन होता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर से फूल बरसाते। तो ये बेटा चमत्कार हो नहीं सकता, चमत्कार केवल ईश्वर कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि हम ऊपर थे और फूल बरसा रहे थे। तो ये कहता है अलौकिक। तो अपन बोल सकते हैं अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। लेकिन अब आखिरी पॉइंट और बना सकते हैं कि बेटा ईश्वर को ना आपने देखा ना मैंने देखा, इसलिए इसको कह सकते हैं हम अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। अब यदि आप ऐसे याद करोगे तो आसानी से आपके लिए याद हो जाएंगी। अब दूसरा आपके लिए बता रहा हूँ प्रगतिवाद, इनकी विशेषताएं। तो इनकी विशेषताएं कैसे याद रखोगे? तो इसके भी बहुत ही आसान है। आपको केवल याद रखना है वे फिल्में जिसमें ठाकुर जो है ना गरीब किसानों पर, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। आप तो सिंपल सी याद रखिए करण अर्जुन। करण अर्जुन पिक्चर आप सभी ने देखी है। तो करण अर्जुन क्या है? शोषित वर्ग है। और हाँ है ना ठाकुर दुर्जन कौन है? शोषित वर्ग है, यानी पूंजीपति वर्ग है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि करण अर्जुन को जब वो मार देते हैं तो हमें भयंकर दया आती है कि काश हम वहाँ पे होते तो बचा लेते। तो पहला पॉइंट अपन क्या बनाएंगे? शोषितों के प्रति सहानुभूति। क्या बनाएंगे? शोषितों के प्रति सहानुभूति। और ठाकुर दुर्जन सिंह जो अत्याचार करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मिल जाए तो साले को बहुत मारे। तो अपन उसके लिए क्या बनाएंगे? शोषकों के प्रति मुक्ति का स्वर, शोषकों के प्रति मुक्ति का स्वर, या फिर शोषकों के विरुद्ध आवाज, या शोषकों के प्रति बुलंद आवाज, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट हम क्या बनाएंगे कि भाई अपन देखते हैं कि वहां पर पूरा का पूरा जो गांव रहता है ना तो वो यथार्थ होता है। क्या होता है? यथार्थ। तो यथार्थ की भावना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई कि वहां पर आपके लिए भगवान के लिए बार बार याद किया जाता है कि हे ईश्वर इनकी मदद करें, हे ईश्वर इनकी मदद करें, लेकिन ईश्वर बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ तक कि करण अर्जुन की माँ भी कम से कम 20 साल इंतजार करती है तब कहीं जाके वो आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में है ना हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास उठ जाता है। तो इसलिए इसका पॉइंट अपन क्या बनाएंगे? ईश्वर के प्रति अनास्था, ठीक है ना। अब आगे चलिए और एक और पॉइंट हम बता देते हैं कि आपने देखा कि करण अर्जुन में है ना उसकी माँ पर भयंकर अत्याचार होते हैं, माँ पर अत्याचार होते हैं। तो वो कौन थी? नारी। तो उसका पॉइंट बन सकता है नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं।
तो प्रयोगवाद, तो प्रयोगवाद को कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए भी आप गाना याद रखिए। कौन सा गाना? तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी, वरना कवारे मर जाऊंगी। अब इस गाने से इसका क्या संबंध? तो पहले जमाने में आप लोग देखते थे कि भाई माता पिता लड़का या लड़की की शादी जैसे भी करने वो कर लेते हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आज के समय में लड़कियां खुद अपना है ना दूल्हा चुन लेती हैं और वो कहती हैं नहीं भाई हमें तो इन्हीं से शादी करनी है। तो जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले प्रेम का खुला चित्रण नहीं होता था लेकिन अब होता है। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? प्रेम का खुला चित्रण, ठीक है ना। पर आपने देखा कि जब इन्होंने प्रेम का खुला चित्रण कर दिया तो इनके माता पिता ने कहा कि बेटा ये अपनी परंपरा नहीं है, ये अपनी रूढ़ी नहीं है। तो बेटा इनने है ना क्या कर दिया, उन परंपराओं का खंडन कर दिया, ठीक है ना। तो अपन दूसरा परंपरा को रूढ़ी भी बोलते हैं, रूढ़ीवादी, ठीक है ना, जो पुरानी चीजों को लेकर के चलता है और जमाने भर में थोपता फिरता है। तो इन्होंने क्या किया, रूढ़ीवादी परंपरा का विरोध किया, रूढ़ीवादी परंपरा का विरोध किया या रूढ़ियों का विरोध किया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरे अपन देख रहे हैं कि जब अपन ने उनकी परंपरा को तोड़ दिया तो भाई माता पिता में क्या निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो अपन उसके कह सकते हैं निराशावाद की प्रधानता, क्या बोल सकते हैं, निराशावाद की प्रधानता, ठीक है ना। तो उसके बाद है ना बेटा आप और हम है ना अपने आप को यदि श्रेष्ठ बताने लगे, मैं बड़ा और मैं बड़ा तो मेरे ऊपर क्यों खड़ा, ठीक है ना। तो जब अपन बड़े बड़े की बात करते हैं बेटा तो वहां हो जाता है घमंड, और घमंड कहते हैं अहम, क्या बोलते हैं अहम। तो यहाँ पे अहम की प्रधानता, क्या बोलेंगे बेटा, अहम की प्रधानता। और आखिरी बेटा जब ये सारी बातें समाज में फैलती हैं, कहाँ फैलती हैं, समाज में फैलती हैं, तो बेटा आदमी हंसी उड़ाता है, देखो इनकी लड़कियां ऐसी, इनका लड़का ऐसा। जब ऐसी बात होती है तो बेटा हंसी उड़ाई जाती है, और हंसी को है ना क्या बोलते हैं, व्यंग, क्या बोलते हैं, व्यंग। तो अपन बोल सकते हैं व्यंग की प्रधानता। इसी प्रकार से आप अन्य की विशेषता भी इसी प्रकार से याद कराएं तो बच्चों का फायदा होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।